जैन के मक्सी रोड स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत क्षेत्रीय भंडार गृह के ऑयल भंडारण क्षेत्र में लगी भीषण आग, जिसमें स्टोर विभाग में रखा करीब 70,000 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल जल गया। गनीमत रही कि आग तेल तक ही सीमित रही, तेल के पास ही विद्युत विभाग के हजारों ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। यदि आग इन ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती तो गंभीर हादसा हो सकता था। आग से करीब 20 लाख से अधिक का नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। करीब 12 दमकल की गाड़ियों से भीषण आग पर काबू पाया। बता दें कि उज्जैन के मक्सी रोड स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत क्षेत्रीय भंडार गृह के ऑयल भंडारण क्षेत्र में लगी भीषण आग, एमपीबी के स्टोर विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्टोर के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टोर विभाग में 3 स्थानों पर आग लगी, जिसमें से एक स्थान पर स्टोर विभाग का ट्रांसफार्मर में डालने वाला ऑयल रखा होने की वजह से आग फैल गई। आग में टैंकर, सिंटेक्स की टंकियां, लोहे और प्लास्टिक ड्रमों में रखा करीब 70,000 लीटर ऑयल जलकर खाक हो गया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के 12 दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। स्टोर विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री ने बताया कि आग में करीब 20 लाख रुपए से अधिक कीमत का ट्रांसफार्मर ऑयल जल गया। गनीमत रही कि आग ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंची, वरना गंभीर हादसा हो सकता था। स्टोर विभाग में एमपीबी के ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, रिले सहित अन्य सामान रखा रहता था। यहां ट्रांसफार्मर की रिफिलिंग भी की जाती है। उज्जैन से जिला क्राइम ब्यूरो कपिल वर्मा की रिपोर्ट। हमें सूचना मिली थी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से ऑयल के ड्रम वगैरह में आग लगी है। पूरी ग्रिड में चारों तरफ आग फैल चुकी थी। यहाँ से 10 से 12 गाड़ियाँ अपनी मौके पर पहुँच कर आग पे काबू पाया गया। कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमें सर आग भयंकर थी, उसमें अपन को बहुत दिक्कत, 10 से 12 गाड़ी पहुँची जब जाकर आग पे काबू पाया गया। क्या नाम आपका? गौरव, फायरमैन। हमारे लोगों ने देखा जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर जो बाहर लगे थे उन पे स्पार्क हुआ। स्पार्क होने से क्या हुआ कि जो केबल उससे कनेक्ट थी, जो अंदर स्टोर के अंदर आ रही थी केबल, वो केबल में भी आग लग गई। केबल में आग लगने से क्या हुआ कि जैसे शुरुआत में आग लगी तो केबल में जहाँ भी वीक पॉइंट था वो केबल वहाँ से भी जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। तो जहाँ हमारा थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ था इधर, जो जहाँ बर्न टाइल है, वहाँ भी उसमें उसने आग पकड़ ली उसके लगने से। तो फायर ब्रिगेड को काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी फुर्ती से आए वो और ऑयल पे कंट्रोल किया। मेनली ऑयल अगर कंट्रोल नहीं होता तो हम एक बड़ी अनुमान कितने का नुकसान होगा सर? वो मोटा मोटा अभी अपन ये मान सकते हैं कि 18 से 20 लाख रुपए करीब, 18 से 22 लाख के बीच में। पर अभी उसमें देखना बाकी है कि उसमें कितना सेव हुआ है, जो क्वांटिटी के हिसाब से बता रहे, लेकिन अगर उसमें कुछ बचता है तो फिर थोड़ा सा नुकसान कम हो जाएगा। टाइम पे आग पे काबू नहीं पाया जाता तो कितना नुकसान हो सकता था? नहीं, इसमें तो फिर काफ़ी हमारा तो ये करीब मतलब इस जो ज्वलनशील पदार्थ है वो तो कम से कम 70-80 लाख रुपये का उसके आसपास है और था, वो सब बचा है। उसमें मतलब एक बड़ा हादसा होने से कह सकते हैं हम कि बच गए हम लोग। आपका पूरा नाम? वी के मालवी, कार्यपालन यंत्री भंडार।